अब मेडल के लिए अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो फिर उसके लिए मुझे दिन रात लगना पड़ेगा। तो अभी तो सर सिर्फ मेरे सिर्फ दिमाग में सिर्फ ओलंपिक है। उम्मीद तो बहुत था क्योंकि उन्नाव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो पहले मैं कानपुर में मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, फिर बाद में फिर मैंने लखनऊ में शिफ्ट किया, फिर अभी जैसे मेरी जो ट्रेनिंग हो रही है वो गुजरात में गांधीनगर NCOE साई में, वहाँ पर मेरी अभी ट्रेनिंग। ज़रूरी नहीं कि डिसेबल हो गए तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एकदम से लाइफ आपकी चेंज होती है। पहले आप नॉर्मल बॉडी है आपका सारा, तो सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो और फिर नहीं हो पा रहा है उसके बाद, डिसेबल के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बस आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, मेंटली आपको एकदम स्ट्रांग होना है। तो अगर आप किसी चीज़ को ठानना है, कोई चीज़ आपको करनी है तो आप कर लोगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, जो उन्नाव के जुड़े हैं, तीनों के लिए बड़ी बात है। भारत की बेटी मेरे साथ है प्राची पांडे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर राष्ट्रीय मंच पर तमाम जगह मेडल ही नहीं गोल्ड मेडल जीते हैं। स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। ने खेलो इंडिया का गोल्ड मेडल जीता एक तरफा अंदाज में, सामने वाले को टिकने ही नहीं दिया, तो पहला सवाल तो इसी पे है। सर वही कि जो धोनी शाह है, जो मेरी अपोनेंट है, फाइनल में हमेशा वही आती हैं और उनका गेम ऑलमोस्ट मुझे सारा पता ही है कि उनकी सर्विसेज किधर आनी है और मुझे किधर अटैक करना है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो मुझे पता होता है कि एक शायद मैं हो सकता है 3-0 निकाल लूँ, तो तैयारी उसी हिसाब से मैं करके आती हूँ। आसानी से आपने जीता, लेकिन एक सवाल पूछूंगा, उन्नाव की ज़मीन से नाइजीरिया तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, कितनी मेहनत की? सर मुश्किल तो बहुत था क्योंकि उन्नाव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। तो पहले मैं कानपुर में मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, फिर बाद में फिर मैंने लखनऊ में शिफ्ट किया, फिर अभी जैसे मेरी जो ट्रेनिंग हो रही है वो गुजरात में गांधीनगर NCOE साई में, वहाँ पे मेरी अभी ट्रेनिंग हो रही है। तो कठिन तो था क्योंकि पता नहीं होता कि पैरा गेम्स भी है ऐसा, कि पैरा लोगों के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हाँ डिसेबिलिटी से पहले भी मैं TT खेलती थी, तो हमेशा से था कि पैशन है मेरा TT, और फिर जब पता चल गया कि पैरा में भी होता है तो फिर मैंने फिर स्टार्ट किया कि नहीं अभी तो TT खेलना है। आपका आप डिसेबिलिटी आई कैसे? सर मेरा स्पाइनल सर्जरी हुआ था जब आई वॉज 14 ईयर ओल्ड, उसके बाद से धीरे धीरे पैरों में प्रॉब्लम आया। जिंदगी तो पूरी बदल गई। हाँ बदल गई कह सकते हैं, अच्छे भी है और ऐसा नहीं है कि बुरा कह सकते हैं, कि अगर कहीं वीकनेस है तो कहीं स्ट्रेंथ भी है। अगर देखूँ तो अगर डिसेबिलिटी की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ तो वो तो स्ट्रेंथ हो गई, तो बदल तो गई है पूरी। मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही कहने वाला था जो आम आदमी नहीं कर सकता, जो एबल नहीं कर सकता, वो आपने कर दिखाया। शायद उन्नाव में ऐसे कम ही होंगे, या मुझे नहीं लगता, मैंने तो नाम नहीं सुना कोई उन्नाव का ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहाँ तक पहुँचा है। हाँ सर नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपने कमाल कर दिया। थोड़ा सा अब थोड़ा सा फैमिली की तरफ, फैमिली का कितना सपोर्ट है? फैमिली मेरे मम्मी पापा दोनों ही सपोर्टिव है, उनको है पढ़ाई का भी था स्टार्टिंग से, फिर बाद में मैंने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स में करना है तो अभी मैंने स्विच किया कि, तो दोनों के लिए है वो हमेशा सपोर्टिव है। अगर कहीं जाना भी होता है तो कहते कि हाँ तुम जाओ, लेकिन बस अच्छा करते रहो, सपोर्ट उनका हमेशा है, उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। फख से सीना तो चौड़ा हो ही जाता होगा मम्मी पापा का, देखते होंगे तो खुशी से फूले नहीं समाते होंगे। हाँ वो खुश तो है बहुत ज़्यादा, हमेशा मनाते रहते हैं, मैं मेहनत करती हूँ तो वो भगवान से प्रे करते हैं हमेशा, तो दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है मुझे। गोल्ड मेडल मैच से पहले कुछ बात हुई थी, कुछ हिदायत मिली थी घर से? हाँ तो वो मम्मी पापा दोनों, हाँ हम भगवान से बोल रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं और तुम मेहनत करना सब अच्छा होगा, तो अच्छा है। अब तो बताना भी होगा क्योंकि मैंने पकड़ लिया पहले ही आपको, गोल्ड मेडल जीते थे ही मैंने इंटरव्यू शुरू कर दिया। 2-3 सवाल पूछूंगा। आप जो लड़कियां हैं प्राची, जो डिसेबल हो जाती हैं, जिनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनके लिए क्या मैसेज? सर मैं तो ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि डिसेबल हो गए तो, हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एकदम से लाइफ आपकी चेंज होती है। पहले आप नॉर्मल बॉडी है आपका सारा, तो सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो और फिर नहीं हो पा रहा है उसके बाद, डिसेबल के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बस आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, मेंटली आपको एकदम स्ट्रांग होना है। तो अगर आप किसी चीज़ को ठानना है, कोई चीज़ आपको करनी है तो आप कर लोगे, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, फिज़िकली इतना कुछ नहीं है। अच्छा उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए स्कोप कैसा है? अच्छा है सर स्कोप, अभी देखे जाए तो पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट अच्छा हुआ है, तो मैं तो कहूँगी कि और भी लोग आगे बढ़े, और भी लोग आए, अभी थोड़ा कम है पैरा में, थोड़ा कम है, लेकिन और भी आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कभी मुझे लगता है थोड़ा कम लोगों को पता है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा तो उतना बढ़िया रहेगा। टारगेट क्या आपका? सर टारगेट तो मेरा ओलंपिक ही है,
हमेशा से ही 2024 जो नेक्स्ट ईयर है, बस वो है कि अभी हम रैंकिंग में अपनी इम्प्रूव कर रही हूँ तो क्वालिफाई करना है। हमारे प्रोग्राम का नाम ही एक संघर्ष से शिखर तक, हम उनसे बात करते हैं जो संघर्ष करके शिखर तक पहुँचे। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव प्राची आता है, कभी ऐसा लगता नहीं हो पाएगा, कभी लगता नहीं मैं तो कर लूँगी, बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव, कभी कोई ऐसा संघर्ष का दिन आया जब लगा यार नहीं हो पा रहा है? हाँ, वो सा लगा है क्योंकि सर्जरी मेरी बीच बीच में काफ़ी हुई है, तो फिर लगा कि अरे मतलब हमेशा हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, तो फिर लगा कि कैसे हो जाएगा, जब बॉडी ही आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है तो मैं कैसे खेलूँगी या फिर कैसे पढ़ाई करूँगी। लेकिन फिर वही है कि पेशेंस आप रखो, कभी ना कभी तो लाइफ चेंज होगी होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर उसके बाद सब चेंज। मम्मी पापा के लिए कोई मैसेज कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, अभी मैंने उन्हें कॉल नहीं किया है, तो अभी मुझे कॉल करना है, उन्हें बताना है, सबसे पहले आप ही मिल गए, तो अभी उन्हें सबसे पहले कॉल करके यही करना है, और उन्हें मेरे से ज़्यादा उन्हें पता है कि हाँ वो जीत गई है। आखिरी सवाल पूछूंगा, फ्यूचर के लिए प्लान क्या और रोल मॉडल आपका क्या? सर अगर अभी देखा जाए तो फ्यूचर के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे ओलंपिक के लिए करना है, मेन फोकस वही है, तो अभी तो ये है कि मुझे क्वालिफाई करना है, क्योंकि अभी जो ओलंपिक में जो टॉप 3 हैं तो उनके गेम के अकॉर्डिंग तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो फोकस अभी मुझे करना है कि क्वालिफाई करना है, और मेडल के लिए अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो फिर उसके लिए मुझे दिन रात लगना पड़ेगा, तो अभी तो सर सिर्फ मेरे सिर्फ दिमाग में सिर्फ ओलंपिक है। उम्मीद है वहाँ तक पहुँचेंगे जो आपकी कामना पूरी होगी, क्योंकि सच्चे मन से अगर मेहनत की जाए प्राची तो हर काम मुमकिन है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी आपने भी पढ़ा होगा देखा होगा जो ज़मीन से उठे यहाँ तक पहुँचे, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये हैं प्राची, यकीन मानिए इनका हौसला मैंने जो देखा, जो हिम्मत देखी है, ये आने वाले दिनों में देखेंगे आप ओलंपिक में, मेरा गारंटी से कह रहा हूँ ओलंपिक और एशियन गेम्स में खेलती नज़र आएंगी, जिस तरह इन्होंने एक तरफा अंदाज में अपनी कैटेगरी में खिताबी मुकाबला जीता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।